देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने बीती रात जयपुर के सिंधी कैंप थाना इलाके से अपहरण किए गए 50 साल के अधेड़ को हज्जापुरा के जंगलों से सकुशल मुक्त करा लिया है। 5 बदमाशों द्वारा अपहरण कर अधेड़ के परिजनों से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। 5 बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने घेराबंदी कर पदपोष लिया, जिनके कब्जे से अवैध हथियार व अपहरण में उपयोग की गई कार को भी बरामद किया गया है। सरमथुरा थाना SHO देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 15 अप्रैल को जयपुर के सिंधी कैंप थाना इलाके से 50 वर्षीय अधेड़ रणवीर को जिला लेकर उत्तर प्रदेश के 5 बदमाशों द्वारा अपहरण किया गया था। बदमाशों ने रणवीर को बहला फुसला कर मोबाइल द्वारा बुलाया था। बदमाशों ने अपहरण कर परिजनों से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी कर दी थी और फिरौती नहीं देने पर बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की लोकेशन धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के हज्जीपुरा के बीहड़ो में ट्रस हुई। बीहड़ की मंदिर की छत पर के बैठे सभी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान एक बदमाश के छत से कूदने की वजह से वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, एक स्विफ्ट कार को भी बरामद किया गया है। फिलहाल बदमाशों को दस्तियाब कर पुलिस उन्होंने ये भी बताया कि बदमाशों को दस्तियाब कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। बदमाशों को अग्रिम कार्रवाई के लिए जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। सत्यमेव न्यूज के लिए धौलपुर से राजकुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।